सोलन में प्रवासी मजदूर काफी ज्यादा संख्या में रहते हैं, क्योंकि कामकाज बिल्कुल बंद है, इसलिए इनकी आय का साधन भी बंद है। मजदूर इस आस में है कि कंस्ट्रक्शन का काम खुल जाएगा और यहाँ फिर से काम कर कमाई कर सकेंगे, लेकिन अभी काम नहीं खुले हैं और ना ही निकट भविष्य में खुलने की उम्मीद उन्हें दिख रही है, इसलिए अब इन मजदूरों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन संकट की इस घड़ी में उन्हें राशन उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कमाई ना होने की वजह से ये बेहद परेशान हैं और घर वापसी करना चाहते हैं। यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों का कहना है कि वे यहाँ कमाने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन यहाँ उनकी कमाई बंद हो चुकी है। उनका परिवार उनके गांव में बेहद परेशान है, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि जिस वजह से वे खाना तो खा पा रहे हैं, लेकिन कमाई का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनकी घर वापसी की अनुमति उन्हें प्रदान की जाए। मेरा नाम रामेश्वर कुमार राव है सर। हम लोग यहाँ बहुत दुखी हैं सर, हर एक चीज़ की परेशानियाँ हो रही हैं सर। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ का प्रशासन हम लोग के लिए बस छोड़ दिया जाए, हम लोग घर चले जाएँ अपने घर। सर हम लोग की स्थिति ना काम करने को मिल रहा है, खाना खाने को तो मिल ही रहा है पर काम खाना खाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कमाएंगे तभी हम लोग का बाल बच्चा भी है, सब एक चीज़ ही है, कमाने के ऊपर ही सब निर्भर है। हम लोग गरीब मजदूर आदमी हैं, हम लोग इतना ही अपनों से रिक्वेस्ट है हम लोग के लिए बस छोड़ दिया जाए, हम अपने प्रदेश चले जाएँ, वहाँ रहेंगे तो अपनी कटाई पिटाई सब इस समय चल रहा है, सुरक्षित समय देखेंगे। यहाँ पर आपको अन्य क्या समस्याएं आ रही हैं? सर समस्या हम लोग का यही है जो काम नहीं चल रहा है, खाने का भी बहुत दिक्कत आ रही है, प्रशासन दे रही है खाना खा रहे हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा चावल मिल रहा है, 2 किलो चावल मिल रहा है और बोल इतने दिन 15 दिन आप लोगों को खाना है, तो ऐसे कैसे हो पाएगा सर? सर मेरा नाम सुहेल है, मैं यहाँ की सरकार से मेरा निवेदन है कि मैं यहाँ से कम 50 बंदे फंसे हुए हैं, ना काम चल रहा है सर, हम लोग परेशानी हर तरह से, बाल बच्चे भी हमारे बीमार हैं, वहाँ पे ना कोई दवा लाने वाला है ना कोई पानी देने वाला है ना, तो हम लोग उधर वो लोग फंसे हैं इधर हम लोग फंसे हैं। हम यही चाहते हैं यहाँ सरकार से जो हमारी कोई साधन दिया जाए, बस वस वगैरह छोड़ा जाए, कि हम लोग गोरखपुर उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। राशन तो सर हम लोग का राशन तो यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, लेकिन अब हम लोग के खाने से नहीं कल गुजारी चलेगा, बाल बच्चे भी घर पे है ना, बाल बच्चे भी हमारे उधर सो जाते हैं, हम लोग हमारे ही इंतजार में सो जाते हैं, सब कमाने वाले एक हैं खाने वाले 5 हैं। हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ की सरकार हम लोग को तो सुविधा कुछ कुछ दे रही है, लेकिन उस सुविधा से हम लोग कोई संतुष्ट नहीं है। मान लीजिए राशन हम लोग को थोड़ा बहुत मिल रहा है तो उसमें से काम नहीं चल पा रहा पूरा, मान लीजिए एक किट में 4 बंदों को मिल रहा है, 4 बंदे में कितना खाएंगे कितना क्या करेंगे। बाकी हम लोग को तो यही चाहिए कि बस हम लोग को सरकार यहाँ की छोड़ दे, हम लोग को परमिशन दे दे कि भाई कि हम लोग यूपी अपने यूपी तक हम लोग पहुँच जाए।